नमस्ते दोस्तों, आज हम मिक्स वेज बनाएंगे जिसके लिए मैंने कुछ आलू लिए हैं, मटर ले ली है, गाजर है, शिमला मिर्च ली है, पनीर ले लिया है, बीन्स ली हैं और गोभी ले ली है। जो घर में अवेलेबल हो वही सब्जी हम ले सकते हैं। एक कटोरी में हम थोड़ी हल्दी लेंगे, टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च ले लेंगे, देगी मिर्च लेंगे, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा नमक ले लेंगे, बाकी नमक हम बाद में डालेंगे और इसे थोड़े से पानी के साथ घोल लेंगे। फूलने के लिए छोड़ देंगे इस मसाले को हम। रिफाइंड हमने गरम कर लिया है। अब हम सब्जियों को शैलो फ्राई करेंगे। आलू सबसे ज़्यादा समय लेगा, इसलिए हम सबसे पहले आलू को डाल देंगे। आलू को एक मिनट फ्राई कर लिया है, अब हम गाजर डाल देंगे। बीन्स डाल देंगे, गोभी डालेंगे, शिमला मिर्च डाल देंगे इसी में, मटर डाल देंगे इसी में, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सभी सब्जियों को हम बर्तन में से निकाल लेंगे। बचे हुए तेल में हम तड़का बनाएंगे, जिसके लिए मैंने खड़े मसाले लिए हैं। तेज पत्ता है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, दो हरी इलायची और एक बड़ी इलायची ले ली है। जीरा डाल देंगे, लहसुन का टेस्ट है तो लहसुन डालिए। प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं, इन्हें भी भून लेंगे हम। प्याज भुनने के बाद हम कुछ फ्रेश और कुछ सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। काजू हैं तो काजू भी डाल सकते हैं। कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देंगे। मसाले जो हमने भिगोए थे उन्हें भी डाल देंगे। मसाले भुनने के बाद हम बारीक चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक हमने थोड़ा पहले भी डाला था। अब हम ढककर इसे 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। एक गिलास इसमें गरम पानी डाल देंगे। ढककर 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। सब्जी पक चुकी है। अब हम तवे पर भून कर कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे। चाहें तो आधा या एक चम्मच चीनी डालें, फ्रेश क्रीम या घर की मलाई डाल देंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे। ढाबा स्टाइल टेस्टी मिक्स वेज बनकर तैयार है। पूड़ी, पराठे या चपाती के साथ सर्व कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।